हेलो फ्रेंड वेलकम इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन कंटीन्यूस फंक्शन ओवर ज़ीरो टू टू पाई सो हियर आवर फंक्शन इज गिवन टू अस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट वन माइनस कॉस एक्स ओवर जीरो टू टू पाई सो अगेन इफ वी कंपेयर दिस लिमिट विथ सी टू सी प्लस टू एल C2 C plus 2L. Then what is the value for C? It is 0. And if we put here value for C equal to 0, then it will be plus 2L only. And this 2L comparing with 2 pi. So we will get here value for L that is equal to pi. So we can write here L is equal to pi. Now for this function.

That is actually our function, whose Fourier series we have to find. Okay, so what is the Fourier series? We have f of x is equal to a zero by two plus summation n is equal to one to infinity a n cos एन पाए एक्स अपॉन एल प्लस समेन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाए एक्स अपॉन एल दैट इज़ अवर सीरीज़ अब अगर यहाँ पर हम एल की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे एल की वैल्यू क्या है पाए तो ये पाए और ये पाई क्या हो जाएगा कैंसिल ये पूरी थीटा की टर्म है इसीलिए हम ये कैंसलेशन कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos n x plus summation n is equal to 1 to infinity b n sin n x. Now to find these Fourier coefficients a 0 a n b n. What is the value for a 0? It is 1 by L 0 to 2 एल एक्चुअली सी हेयर अवर सी इज ऑलवेज जीरो सो वी कैन राइट हेयर जीरो टू टू एल अल्सो राइट पहले के एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पर लिखा है सी टू सी प्लस टूएल पर अगर सी ज़ीरो है, है ना तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू टू एल्व हो जाएगा सो so यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीरो टू टू एल्व एफ ऑफ एक्स डी एक्स अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो एल की वैल्यू अगर पाई पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन पाई जीरो टू टू पाई एंड वॉट इज़ द फंक्शन दिस फंक्शन रूट टू साइन एक्स बाय टू डी एक्स नाउ इंटीग्रेटिंग दिस रूट टू इज़ कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन वी कैन कीप आउटसाइड सो इंटीग्रेशन फॉर साइन इट इज़ माइनस कॉस X by 2 and derivative of theta, x by 2 ka derivative with respect to x is 1 by 2. So dividing by its derivative here, that is the complete integration for sine x by 2. Now applying here limits from 0 to 2 pi. So if we apply here limits from 0 to 2 pi, then a 0 is equal to root 2 upon pi. See this 1 by 2. 2 इज़ द डिनिनेटर हियर देन दिस विल गोज टू न्यूमरेटर सो वी कैन राइट 2 आउटसाइड देन अब यहाँ पर ये यह जो माइनस कॉस एक्स बाय टू है इसमें लिमिट पुट करनी है अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो अपर लिमिट अगर पुट करेंगे तो एक्स की जगह पर टू पाई पुट करना है टू पाई पुट करेंगे तो टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल सो so, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ माइनस कॉस पाए माइनस लोअर लिमिट बट ऑलरेडी ये जो टर्म है ये क्या है माइनस है राइट और ये माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ज़ीरो राइट सो टू रूट टू अपॉन पाए कॉस पाए कॉस पाई इज माइनस वन सो इट इज़ माइनस वन प्लस कॉस जीरो इज वन सो इट इज़ टू रूट टू अपॉन पाए माइनस माइनस प्लस So 1 plus 1 it is 2. So what is the final answer for a0? Yes, it is 4 root 2 upon pi. So this is our value for a0, 4 root 2 upon pi. Now to find an. So what is the result for an? Yes, it is 1 upon l, 0 to 2l, f of x cos n pi x. अप ऑन एल डी एक्स नाउ रिप्लेसिंग ऑल द वैल्यूज यर एल की वैल्यू क्या है पाए सो यही जाएगा जीरो टू टू पाए एफ ऑफ एक्स इज रूट टू साइन एक्स बाय टू कॉस एल की वैल्यू अगर यहाँ पर पाए पुट करते तो पाए पाए कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ पर जाए सिर्फ कॉस एन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू रूट टू अपॉन पाए दिस रूट टू इज़ कॉन्स्टेंट वी कैन कीप आउटसाइड इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टू पाई साइन एक्स बाय टू कॉस एन एक्स डी एक्स अब यहाँ पर अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो ये टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में है यहाँ पर हम साइन ए कॉस बी का रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं साइन ए कॉस बी का रिज़ल्ट क्या है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी पर वो जो रिज़ल्ट है वो टू साइन ए कॉस बी के लिए है तो यहाँ पर हम टू के टर्म को एडजस्ट करेंगे अगर टू को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर में उसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे राइट right? अब टू कॉन्स्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन के बाहर यहाँ लिख सकते हैं तो टू साइन ए कॉस बी का रिजल्ट अप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा रूट टू अपॉन टू पाए जीरो टू टू पाए साइन ए प्लस बी सो इट इज़ साइन एक्स बाय टू प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज एक्स बाय टू माइनस एक्स डी एक्स सो वी हैव टू राइट दिस कॉन्स्टेंट एम ऑल्सो हियर इट शुड बी एन एक्स ओके सो साइन एक्स बाय टू प्लस एन एक्स प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस एन एक्स डीएक्स सो यहाँ पर हम ए एन की वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू वॉट इज इट रूट टू अपॉन टू पाई, रूट टू अपॉन टू पाई, जीरो टू टू पाई साइन अब एक्स बाय टू प्लस एन एक्स है तो इसमें से अगर एक्स को कॉमन निकाल ले तो ये क्या रह जाएगा वन बाय टू प्लस एन राइट सो ये हो जाएगा वन बाय टू प्लस एन इन एक्स प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस एन तो वो हो जाएगा वन बाई टू माइनस एन इंटू एक्स डी एक्स राइट अब यहाँ पर ये जो टर्म्स से है ये सेपरेट है दोनों भी साइन की टर्म्स है तो इनका हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं बिफोर दैट ये जो थीटा है इसको हम सॉल्व करते हैं सो रूट टू अपॉन टू पाए जीरो टू टू पाए साइन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस टू एन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस साइन वन माइनस टू एन अपॉन टू इंटू एक्स डी एक्स अब यहाँ इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखिए रूट टू अपॉन टू पाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है थीटा की टर्म है वन प्लस टू एन अपॉन टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ थीटा तो थीटा में जो कांस्टेंट कॉन्स्टेंट हमें उससे डिवाइड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा वन प्लस टू एन अपॉन टू प्लस अगेन डेरिवेट सॉरी इंटीग्रेशन फॉर साइन इट इज माइनस कॉस वन माइनस टू एन अपॉन टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ़ दिस थीटा सो डिवाइड बाय द कॉन्स्टेंट हम वन माइनस टू एन अपॉन टू and apply limit from 0 to टू pi. Now this is the complete integration, right? अब यहाँ पर अगर इसे हम solve करेंगे तो सबसे पहले हमें अपर लिमिट को यूज करना है तो अपर लिमिट अगर यहाँ पुट करते हैं टू पाए तो टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल सो so ये हो जाएगा टू अपॉन टू पाए माइनस कॉस वन प्लस टू एन इन टू पाए एक्स को यहाँ रिप्लेस किया टू पाई से तो टू टू कैंसिल हो गया बचा क्या पाई डिवाइडेड बाय वन प्लस टू एन अपॉन टू प्लस यहाँ पर भी अपर लिमिट पुट करेंगे पहले एक्स की जगह पर अगर टू पाई पुट किया तो टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल सो इट इज़ माइनस कॉस वन माइनस टू एन अपॉन टू इन टू डिवाइडेड बाय वन माइनस टू एन अपॉन टू राइट अब ये हो गया अपर लिमिट अब हमें यहाँ पुट करनी है लोअर लिमिट तो हम माइनस साइन यूज़ करते हैं माइनस लोअर लिमिट लोअर लिमिट के लिए कली ब्रैकेट करना है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो थीटा पूरा क्या हो जाएगा ज़ीरो तो ये होगा माइनस कॉस ज़ीरो अपॉन वन प्लस टू एन अपॉन टू प्लस यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी है तो ये हो जाएगा कॉस जीरो अपॉन वन माइनस टू एन अपॉन टू ब्रैकेट कंप्लीट अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं रूट टू अबॉन टू पाए इन ब्रैकेट अब ये जो टर्म है राइट right? ये कॉस पाए की टर्म है और उसके साथ ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म डिपेंड्स ऑन एन एन इंटीजर है तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है वन टू थ्री फोर फाइव ज़ीरो राइट तो अगर एन की वैल्यू यहाँ पर हम और कंसीडर करते हैं तो टू से अगर डिवाइड करेंगे तो वो इवन हो जाएगी और इवन प्लस वन हमेशा क्या होता है और थ्री प्लस वन फोर फाइव प्लस वन सिक्स सेवन प्लस वन एट ऑलवेज और ही टर्म होती है यहाँ पर भी सेम हो जाएगा टू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टू एन इवन है पर उसमें से अगर वन को माइनस कर दे राइट तो वो और हो जाती है जैसे कि फोर माइनस वन थ्री सिक्स माइनस वन फाइव आर यू गेटिंग तो अब यहाँ पर अगर ये कॉन्स्टेंट टर्म ऑलवेज ऑड है तो कॉस ऑड पाए के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होती है माइनस वन तो इसीलिए माइनस वन माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाती है वन अपॉन वन प्लस टू एन अपॉन टू प्लस सिमिलरली यहाँ पर आड़ पाई के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या है माइनस वन माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस टू एन अपॉन टू माइनस अब कॉस ज़ीरो की जो वैल्यू है वो वन होती है और ऑलरेडी यहाँ पर ये यह टर्म निगेटिव है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस वन अपॉन वन प्लस टू एन अपॉन टू दिस माइनस दिस माइनस अगेन प्लस कॉस ज़ीरो इज़ वन अपॉन वन माइनस टू एन अपॉन टू तो ये ज़्यादा ज़रूरी है ये यह यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया आपको समझ में आया होगा तो आपको सिर्फ अगर कॉस के साथ में पाई की टर्म है तो थीटा में जो टर्म है वो इवन है या और है ये चेक करना है अगर वो इवन है तो कॉस पाई वन हो जाएगा और अगर ये और है तो कॉस पाई क्या हो जाएगा माइनस वन राइट अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं अब ये जो डिनोमिनेटर में टू की टर्म्स है ये कहा जाएगी न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा रूट टू अपॉन टू पाई, टू अपॉन वन प्लस टू एन प्लस टू अपॉन वन माइनस टू एन प्लस टू अपॉन वन प्लस टू एन प्लस टू अपॉन वन माइनस टू एन अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की हम एडिशन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा रूट टू अपॉन टू पाए फोर अपॉन वन प्लस टू एन प्लस सिमिलरली वन माइनस टू एन के लिए हो जाएगा फोर अपॉन वन माइनस टू एन और इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में जो फोर की टर्म है हम कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा फोर रूट टू अपॉन टू पाएँ इन ब्रैकेट वन अपॉन वन प्लस टू एन प्लस वन अपॉन वन माइनस टू एन सो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए फोर अपॉन टू है तो ये हो जाएगा टू रूट टू और यहाँ पर हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है तो वन माइनस टू एन प्लस वन प्लस टू एन वन माइनस टू एन प्लस वन प्लस टू एन अपॉन वन प्लस टू एन इंटू वन माइनस टू एन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वॉट इज इट यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा वन माइनस फोर एन स्क्वायर राइट अब यहाँ पर ये जो माइनस टू एन और प्लस टू एन ये कैंसिल हो जाएगा सो so यहाँ पर क्या बचा वन प्लस वन टू एंड टू इन टू टू फोर यानी कि ये हो जाएगा फोर रूट टू अपॉन पाए इन ब्रैकेट वन माइनस फोर एन स्क्र दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर ए एन राइट सिमिलरली अब हमें यहाँ पर फाइन करना है बी एन तो बी एन के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे बी एन अपॉ बी एन इज इक्वल टू वन बाय एल जीरो टू टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाए एक्स अपॉन एल डी एक्स अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं वन अपॉन pi जीरो टू टू pi एफ ऑफ एक्स इज रूट टू साइन एक्स by टू साइन एल की वैल्यू अगर pi पुट करेंगे तो pi पाए कैंसिल हो जाएगा बचा एन एक्स डी एक्स अब फिर से यहाँ पर वही एडजस्टमेंट करनी है टू साइन ए साइन बी का रिज़ल्ट अप्लाई करना है तो ये रूट टू बाहर आ जाएगा अपॉन पाए और टू साइन ए साइन बी का रिज़ल्ट अप्लाई करने के लिए टू के एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर टू से डिवाइड करना है मैं आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करूँगी तो टू साइन ए साइन बी का रिज़ल्ट क्या है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस एन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय टू प्लस एन एक्स डी एक्स राइट अब यहाँ पर ये जो कॉस की टर्म है तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी रूट टू अपॉन टू पाए ज़ीरो टू टू पाए कॉस एक्स को कॉमन निकालना है तो ये हो जाएगा वन माइनस टू एन अपॉन टू इंटू एक्स माइनस कॉस वन प्लस टू एन अपॉन टू इं टू एक्स डी एक्स अब यहाँ हम बी एन के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं तो बी एन के लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यस रूट टू अपॉन टू पाए कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन सो इट इज़ साइन वन माइनस टू एन अपॉन टू डिवाइडेड बाय वन माइनस टू एन अपॉन टू माइनस फिर से ये कॉस का इंटीग्रेशन लेंगे वो होगा साइन वन प्लस टू एन अपॉन टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टू एन अपॉन टू लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू टू पाए राइट अब यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करते हैं अब ध्यान में रखना है कि ये साइन की टर्म्स है अगर अपर लिमिट को पुट करते हैं राइट right? यहाँ पर एक्स है एक्स की वैल्यू को टू पाई से रिप्लेस करना है तो टू टू कैंसिल हो जाएगा यानी कि साइन वन माइनस टू एन पाए होगा अब साइन वन माइनस टू एन पाई अगर यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को टू पाई से रिप्लेस करते हैं टू टू कैंसिल होने के बाद साइन वन माइनस टू एन पाई होगा अब वन माइनस टू एन और वन प्लस टू एन दोनों भी क्या है और टर्म है और साइन ऑड पाए लो या इवन वन पाए लो ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या होती है ज़ीरो तो इसी यहाँ पर ये जो बी एन है ये आपका क्या होने वाला है ज़ीरो क्योंकि अगर लोअर लिमिट भी हम यहाँ पर पुट करते हैं तो साइन ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो राइट right? यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी तो अब ये जो लास्ट वाला है इसमें आप ये दोनों लिमिट्स अच्छे से पुट करके देखना आपको आंसर मिलेगा ज़ीरो और आंसर ज़ीरो क्या है इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया है राइट right? तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया है अब ये जो ए ज़ीरो ए एन और बी एन की वैल्यूज़ है ये आपको पुट करनी है यहाँ इस सीरीज़ में ए जीरो की वैल्यू यहाँ पुट करनी है ए एन की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और बी एन की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और उसके बाद जो सीरीज़ मिलेगी वो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ होगी फॉर दिस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स ओवर जीरो टू टू पाए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल